अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं हिना शौकत आपकी केमिस्ट्री की टीचर और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कैथोड एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो स्टूडेंट्स जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर टू विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया है इसका इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने स्टार्ट किया हमारा टॉपिक

डिस्कवरी फर्स्ट एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सीक्वेंस ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हुई है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कैथोड रेज क्या है इसे किसने डिस्कवर किया और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और इनका इलेक्ट्रॉन से रिलेशन क्या है इन एटीन सर विलियम क्रोक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर साइंटिस्ट का नाम है सर विलियम क्रोक्स और उन्होंने परफॉर्म किए हैं एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द गैसेस और उसके लिए जो उन्होंने इक्विपमेंट यूज़ किया था एट दैट टाइम इट वाज डिस्चार्ज ट्यूब अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली एक ट्यूब होगी जो कि यूजली ग्लास की बनी होती है ये किसी और मटेरियल की भी बनी हो सकती है इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि हम इसमें पंप फिट करके इसका प्रेशर लो कर सकते हैं यानी कि हम इसमें अगर कोई चीज़ लो प्रेशर पे फिल करना चाहें तो कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर और उसके लिए हम प्रेशर पम्प यूज़ करते हैं जो कि हेल्प करेंगे इसमें प्रेशर रिड्यूस करने में और प्रेशर रिड्यूस करना जरूरी भी होता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्योंकि प्रेशर रिड्यूस करने से अगर कोई चीज़ फ्लो कर रही है या कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है अब डिस्चार्ज ट्यूब्स उस ज़माने में एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी आप देखेंगे कि हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में भी डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ ज़रूर पढ़ेंगे सो आई होप कि ये आइडिया क्लियर हो गया कि डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसा इक्विपमेंट होगा जिसमें हम किसी चीज का लो प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं सो ही टुक अ ग्लास ट्यूब उसने ली ग्लास ट्यूब यानी कि ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब जो कि ग्लास से बनी हुई थी एंड फिटेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रॉड्स उसमें लगाए दो मेटालिक इलेक्ट्रॉड्स विच वर कनेक्टेड टू अ वेरी हाई वोल्टेज बैटरी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो वोल्टेज था इट वॉज वेरी हाई और वो इतना हाई था कि वो अप टू वन थाउजेंड वोल्ट तक जाता था यानी कि बहुत हाई वोल्टेज मेंटेन करके उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और फिर उसको फिल किया विद गैस एंड दैट गैस वाज केप्ट एट लो प्रेशर व्हिच इज टेन रेज टू पार माइनस फोर ए और ये प्रेशर काफ़ी कम प्रेशर है तो जब इतने लो प्रेशर पे उसने गैस को फिल किया तो फिर उसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की सो वेन हाई वोल्टेज करंट वॉज पास्ड थ्रू द गैस अब हुआ क्या देर वर समाइनी रेस जो कि इमिट हो रही थी फ्रॉम वन एंड और वो मूव कर रही थी टू वर्ड अदर एंड अगर आप इस डाग्राम को देखें जिसमें आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई दे रही है एज यू कैन सी दैट ऑन बोथ एंड देर इलेक्ट्रॉड्स और बोथ इलेक्ट्रॉड्स दे आर कनेक्टेड विदरी और दिस बैटरी वुड बी हैोल्टेज क्योंकि हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई रखना है नौ यू कैन सी दीज रेज दीज रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एंड टू एने बेसिकली दीज रेज दे वर एमिटिंग फ्रॉम कैथोड जब दो इलेक्ट्रॉड होंगे तो एक इलेक्ट्रॉड होता है कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रॉड होता है एनोड और जो कैथोड है ये कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एनोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अब कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड हैं लेकिन जो रेज इमिट हो रही हैं वो एनोड से नहीं हो रही दे आर इमिटिंग फ्रॉम कैथोड एंड दे आर मूविंग टू एनोड अब अगर आप डायग्राम में इसकी मूवमेंट शो करेंगे सो यू विल ड्रॉ एरो एनोड आपको एनोड की तरफ एरो शो करना है और जब आपको इसके एंड्स को कनेक्ट करना है बैटरी के साथ तो आप जानते हैं कि जब हम बैटरी को ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए जो नेगेटिव टर्मिनल वाला पोर्शन होगा उसके लिए छोटी लाइन यूज की जाती है और पॉजिटिव टर्मिनल के लिए बड़ी लाइन यूज की जाती है सो कैथोड वुड बी कनेक्टेड विद द स्मॉलर वन एंड एनोड को कनेक्ट करेंगे आप पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से ये तो हो इसकी डायग्राम और हमने ये देखा कि दीज रेज आर एमिटिंग फ्रॉम कैथोड एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स एनोड अब चूंकि ये निकल रही थी कैथोड से तो इनको नाम दे दिया गया कैथोड रेस का सो so अगर आपसे कोई पूछे कि दीज रेस वर वर एज कैथोड कैथोड सो सो बिकॉज दे फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड दैट्स इनको नाम दिया गया कैथोड रेस का अगर बात करें सर विलियम क्रूस की तो ही अ ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट एंड ही वॉज अ पाइनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स उन्होंने इन वैक्यूम ट्यूब्स पर बहुत काम किया जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं वैक्यूम भी तो वही होता है ना जब आप किसी चीज में से कोई मटेरियल निकाल दें तो उसका प्रेशर बहुत लो हो जाए तो उसको हम कहेंगे वैक्यूम ट्यूब और साथ ही साथ इसने एक और चीज पे भी काम किया विच वाज स्पेक्ट्रोस्कोपी नाउ वंस दीस कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड तो डिस्कवरी के बाद अगला स्टेप आया इसकी प्रॉपर्टीज का पता लगाने का एंड टू स्टडी इन डिटेल देयर प्रॉपर्टीज हुआ क्या देयर वर सम अदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्मड सो वी कैन से दैट द कैथोड रेज दे वर स्टडीड इन डिटेल एंड देयर प्रॉपर्टीज व डिटर्मेंट अब जब वो प्रॉपर्टीज डिटर्मेंट हुई तो हम तक वो अब एक लिस्ट की फॉर्म में भी मौजूद हैं यानी कि हम उन्हें लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं सो चलिए वन बाई वन डिस्कस करते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को और देखते हैं कि उसके पीछे लॉजिक क्या थी सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन प्रपेंडिकुलर टू दर्फेस ऑफ कैथोड यानी कि ये एक तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और जो डायरेक्शन है इनके ट्रैवल करने की वो है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ कैथोड अगर आप इस डायाग्राम को देखें सो यू कैन ईजिली सी द सर्फेस ऑफ कैथोड विच इज लेबल्ड एज वेल अब अगर आप इस कैथोड रे की सरफेस को देखें एंड यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस रे और इस रे की डायरेक्शन और इस कैथोड के बीच में यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट दियेर इज एंगल ऑफ 90 डिग्रीज और ये 90 डिग्री का एंगल शो करता है कि ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर टर्म आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ी होगी सो मुझे उम्मीद है कि इसको समझना इतना मुश्किल नहीं अगर बात करें कि ये कैसे कहा जा सकता है कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन चूँकि ये एक बंद ट्यूब के अंदर हैं तो हो सकता है कि ये राइट लेफ्ट अप डाउन कहीं पे भी मूव कर रही हूँ सो so, इसके लिए देर वॉज वन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड जिसमें वट दे डेड वॉज दे यूज्ड परफरेटेड एनोड यानी कि एनोड के अंदर कुछ होल्स कर दिए और ऐसे एनोड को कहा जाएगा परफोरेटेड एनोड और उसके बाद एक स्क्रीन ऐड की यूजुअली वो स्क्रीन जिंक सल्फाइड की ऐड की थी इसको याद करना इतना जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड तो जब कैथोड रेस ने इमिट किया फ्रॉम कैथोड एंड दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग टूवर्ड्स दी एनोड वर पासिंग बाय दोज होल्स प्रेजेंट इन एनोड और वो उस होल से पास करके स्ट्रेट ही उसके पीछे लगाई गई स्क्रीन पे जाके पड़ी विच शोज दैट दीज रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ विच इज दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ अगर बात करें व्हाट इज ओपेक ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं या फिर ओपेक हो सकते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स यूजुअली वो सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं रेज ऑफ लाइट को अगर आप बात करें अपनी बुक की तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है अगर आप बॉल की बात करें तो वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट होगा लेकिन अगर कोई चीज़ शीशे की बनी है या प्लास्टिक की बनी है तो वो ओपेक नहीं होगी सो so, मुझे उम्मीद है कि आपको अंदाजा हो गया कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है अब देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था साइंटिस्ट दे यूज्ड मेटल यानी कि उन्होंने एक मेटल का पीस रखा रास्ते में जहां से कैथोड रे ने ट्रेवल करना था और वेन द दे प्लेस दैट मेटल पीस ऑन देर वे वट हैपन द शेडो वॉज कास्टेड और हम जानते हैं कि शेडो तभी बनता है जब रे उस चीज में से पास ना कर सके यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट रखा और उसमें से रे पास नहीं कर सके और उसने उसका शेडो बना दिया अब इससे एक और बात पता चलती है लाइट रेज कभी भी शेडो नहीं बनाती और आपने देखा होगा कि फ्लेम का भी कोई शेडो नहीं होता सो दीज रेज दीज वर मटीरियल रेज यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मैटर की मिलकर बनी है यानी कि ये पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ और थर्ड प्रॉपर्टी है कि हाउ डू दे बिहेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे तो फिर ये कैसे बिहेव करेंगे अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यानी कि हमें क्रिएट करना पड़ेगी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें होगा यानी कि हम उसी डिस्चार्ज ट्यूब के इर्द गिर्द बनाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हम एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट रखेंगे और दूसरी साइड पे नेगेटिव प्लेट और फिर जब कैथोड थोड़ी रेज पास करेंगी तो वी विल ऑब्जर्व देयर डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन मतलब उनका अपने रस्ते से मुड़ जाना और वी कैन क्लियरली सी दैट दीज रेज विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट और हम जानते हैं कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इसका साफ मतलब यह हुआ कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज इसके अलावा इनका इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड वो भी ऑब्जर्व किया गया था सिंपल जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया था इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके भी देखा तो हैरान कन बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में भी दे शोड डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये कनेक्टेड होते हैं एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन फिजिक्स में भी सो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे भी होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो जिस तरह अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में शो करेंगी डिफ्लेक्शन सो so, वो इसकी रीजन ये है बिकॉज दे वर शोइंग डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द रेज द टेम्परेचर सो हम कह सकते हैं कि दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल अब ये कैसे पता चला वेन दे वर मूविंग थ्रू द एनोड और ये टकराई उस स्क्रीन पर जो कि एनोड के पीछे लगाई गई थी तो उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करने पर इट्स टेम्परेचर वॉज इंक्रीज वो टेम्परेचर रेज्ड था चीज शो करती है कि ये रेज जो कि कैथोड रेज हैं, दे कैन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इज जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मैस रेशो जब हम कह रहे हैं कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ये शेडो बनाती हैं तो ये पार्टिकल से मिलकर बनी है और अगर कोई चीज पार्टिकल से मिलकर बनी है तो उसका कोई ना कोई मास भी होगा जे जे थॉमसन ही वॉज द साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर की चार्ज टू मास रेशो और जे जे थॉमसन ही वो साइंटिस्ट था जिसने इनको नाम दे दिया बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब और ये जो प्रोडक्शन ऑफ लाइट है ना इसके फिनोमेना को कहते हैं फ्लोरिस फ्लोरिस मतलब के लाइट चमकना किसी चीज का सो व्हेन दीज रेज देवर पॉइंटिंग टूवर्ड्स दी वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब तो होता क्या था वहां पर फ्लोरीसेंस शो हो रही थी यानी कि लाइट और उसके कुछ कलर्स दिखाई देते थे विच शोज दैट कि इन रेज से लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब अब इसके लिए क्या किया गया होगा एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया विद सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें मुख्तलिफ चीजों को चेंज कर करके देखा जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एट वेरी लो प्रेशर फिल की थी गैस सो उस गैस को चेंज कर दिया होगा और कैथोड और एनोड ये बने होते हैं मेटल्स के तो उसमें मेटल की टाइप को चेंज कर दिया होगा सो ये ऑब्जर्व किया गया कि चाहे आप गैस को चेंज करें या फिर इलेक्ट्रॉड्स को चेंज करें इन रेज की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सो so, हम कह सकते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द गैस और ऑन द टाइप और द नेचर ऑफ कैथोड एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ दे सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑन द गैस नेचर और साथ ही साथ ऑन द मटीरियल कैथोड। अब ये तो थी सारी की सारी कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़। अब इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज का कोई कंक्लूजन भी निकलना चाहिए के Sir William Crookes की इतनी मेहनत का कोई ना कोई नतीजा भी निकलेगा अब इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर हम कॉन्क्लूड करें तो so हमें कुछ फैक्ट पता लगेंगे नाउ पहला फैक्ट ये है कि वेन दे आर कास्टिंग शेडो ऑफ एन ओपिक ऑब्जेक्ट सो दिस सजेस्टेड दैट दे आर नॉट रेज नॉट रेज एट ऑल दे आर मूविंग पार्टिकल्स एंड दे आर वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स और वो इतने फास्ट मूव कर रहे होते हैं कि वह आपको एक रे की फॉर्म में लगते हैं लेकिन बेसिकली दीज आर मटीरियल पार्टिकल्स और इन्हें नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स का ये स्टेटमेंट भी आएगी इसकी कंक्लूजन में दर गिवन द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ सिंस ऑल द मटीरियल्स दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स सो इट मीन्स दैट ऑल द मटीरियल्स दे कंटेन इलेक्ट्रॉन अब देखें कोई भी गैस यूज हुई तो यही रेज बनी कोई भी कैथोड था तो यही रे बनी ये चीज शो करती है कि ये किसी ऐसी चीज से मिलके बनी है ये रेस कोई ऐसा पार्ट है एटम का ऐसा पार्ट है उस गैस का जो कि सब में एक ही जैसा होगा सब में कॉमन ही होगा जैसा कि हमने पढ़ा था कि एटम हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है तो यकीन ये ऐटम तो नहीं है तो ये है उसका एक सब अटोमिक पार्टिकल जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंड एज वी नो दैट मटेरियल्स आर कंपोज ऑफ एटम्स तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स फंडामेंटल का मतलब एक बुनियादी जर्रा है जो कि हर तरह के एटम में पाया जाएगा और इसका मैस इसका साइज इसका स्ट्रक्चर सब कुछ इक्वल होने वाला है नो no मैटर आप कौन सी गैस की बात करते हैं अगर आप उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और किसी और गैस का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उनमें कोई फर्क नहीं होगा यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये इलेक्ट्रॉन किस मटेरियल से बिलोंग करता है सो इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल जो कि सेम होगा इन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ये तो थी कैथोड रेस की डिस्कवरी और हमने ये भी देखा कि चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज हैं और इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड की So, उससे हमें यह पता चलता है कि यही है इलेक्ट्रॉन्स अब आप डेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले कैथोड रेस डिस्कवर हुई एंड देन जे जे ने इनकी चार्ज टू मैथ रेशो फाइंड की और उसके बाद उसने नाम दे दिया इनको इलेक्ट्रॉन्स का दीज रेज गिवन द नेम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब ये तो हुई सारी की सारी डिस्कवरी कंप्लीट अब इस पूरे टॉपिक के कुछ पार्ट्स हैं इसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट पता होना चाहिए मुझे सर विलियम क्रुक्स आपको डेट पता होनी चाहिए उसका क्या काम था पता होना चाहिए एवरीथिंग रिलेटेड टू द साइंटिस्ट देन यू शुड नो वट वॉज एक्सपेरिमेंट इन एक्सपेरिमेंट यू नीड टू डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट प्रेशर क्या मेंटेन किया था डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और बाकी सारी छोटी छोटी डिटेल्स कैथोड था एनोड था हाई वोल्टेज था ऑल दीज थिंग्स और साथ ही साथ आपको ड्रॉ करनी होगी यहाँ इसकी प्रॉपर डायग्राम है इस पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है

हमें इसके कंक्लूजन्स भी लिखने हैं आप अपने माइंड से कन्क्लूजन्स का नंबर ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं हमने जितने कॉन्क्लूजन्स डिस्कस किए हैं दे आर इनफ फर लर्निंग ऑफ एग्जाम एज वेल मुझे उम्मीद है कि अगर अब क्या थोड रेस से रिलेटेड कोई लॉन्ग क्वेश्चन या बीच में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा तो आपको उसका जवाब देने में उसका आंसर प्रॉपर वे में लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी सो so स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सर विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को यानी कि कैथोड रेज को और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने देखा हु वाज सर विलियम क्रुक्स साथ ही साथ देखा कि व्हाट वाज हिज एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है इन डिटेल और साथ ही साथ कंक्लूड किया हमारे इस टॉपिक को मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को स्टडी करेंगे तब तक के लिए हाफिज़